दोस्तों नमस्कार भाई। गायों में एक बहुत ही बड़ी समस्या आजकल देखने को मिल रही है। आप लोगों के कमेंट इतने ज़्यादा आ रहे हैं तो हमने क्या किया कि गाय लात मारती है सर, दूध देती नहीं है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था हमारे रामावत वेट ज्ञान पर, जिस पर हम क्या करते हैं कि आप लोगों के जितने कमेंट आते हैं उन पर वीडियो बनाते हैं। तो उस पर मैंने बनाया तो बहुत अच्छा प्यार मिला और जितने भी लोगों के कॉल और कमेंट थे सबका यही था कि क्या ये सर फॉर्मूला बहुत अच्छा काम करेगा क्या। तो सबकी उत्सुकताओं को देखते हुए मैंने आज उस फॉर्मूले को मॉडिफाई, जो हम विस्तार से यूज करते हैं, काफी समय से यूज करके करते आ रहे हैं, उसको मैंने सोचा क्यों ना विस्तार से हमारे डीडी रामावत चैनल पर भी बता दिया जाए। तो वो विस्तार से फॉर्मूला मैं आप लोगों के लिए आज लेकर के आया हूं कि अगर कोई भी गाय बच्चा आराम से मिला रही है दूध, बच्चे को तो पिला रही है लेकिन हमें नहीं पिला रही, या फिर बच्चा भी जब दूध पीता है तो उसमें दर्द करती है, उसको भी दूध नहीं पिला रही। कईयों के तो कमेंट ये थे कि सर बच्चे को दूध आराम से पिला लेती है, कोई दर्द नहीं, और हम जो ही हाथ डालते हैं जितने में लात मारने लग जाती है। तो ऐसी अगर कोई भी समस्या है तो एक विस्तृत इलाज आप कर सकते हैं, कुछ दवाओं का प्रयोग करना है। दवाएं हमेशा ही अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से यूज कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप जो भी पाउडर वगैरह है वो आप अपने विवेक से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आज कुछ पाउडर कुछ दवाओं का ऐसा कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो बहुत ही शानदार है। कॉम्बिनेशन बताने से पहले एक बात मैं आपको बताऊँ कि जब भी कोई गाय दूध नहीं देती है उसको आप डराइए मत, धमकाइए मत, मारिए मत, उसको आप सॉफ्टली हैंडल कीजिए, प्रेम से हैंडल कीजिए। जितना आप प्रेम करेंगे सहलाएंगे उसके मस्तिष्क में सेंस अच्छा जाएगा और ऑक्सीटोसिन निकलेगा। तो पहला काम तो यही करना है। मान लीजिए कोई भी छोटा मोटा दर्द हुआ, छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई, छोटी मोटी आनाकानी उसने दूध देने में की और आपने तो मारना पीटना शुरू कर दिया, डराना धमकाना शुरू कर दिया, तो उसके बाद वो वाकई दूध नहीं देगी। तो अगर कोई परेशानी है तो उसको आप समझिए, ठीक है, उसकी परेशानी को आप समझिए, उससे प्यार से सहलाइए और मैं जो दवा बता रहा हूँ वो दीजिए ताकि वो आपको पूरा का पूरा दूध दे। आदमी वही होना चाहिए जो रोज़ दूध निकाल रहा है और उसका व्यवहार उस गाय के प्रति प्रेम पूर्वक होना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप कटुता का व्यवहार करते हैं तो गायें भी भाई समझती है। तो आप प्रेम पूर्वक सहलाने वाला व्यवहार कीजिए और जब भी उसके बच्चे को आप दूध पिला रहे हैं उसी समय हाथ डालिए। बच्चे को दूध पिलाते हैं उसी समय एक तरफ बच्चा दूध पी रहा है एक तरफ आप हाथ डालेंगे तो उससे क्या है कि उसके शरीर में उसके मस्तिष्क में अच्छा सेंस जाएगा और वो भी जब बच्चा अलग भी हो जाएगा तो भी आपके हाथों से भी वो अच्छा सेंस देगी और अच्छा दूध देगी। तो ये तो एक टिप की बात थी, लेकिन बात हम उन दवाओं की करते हैं जो इस मामले में 100% रिजल्ट दे रही है। वो कौन कौन सी है, देखिए नंबर वन पर मैं दो प्रकार की गोलियां ले रहा हूं। आपको देख के अजीब लगेगा कि एक गोली जो है वो पावसने के लिए आती है, एक गोली दर्द सूजन बुखार के लिए आती है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमने क्यों यूज किया। इससे पहले एक बात और आप जान लीजिए, दो ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो बहुत अच्छा वर्क करती है पावसने में, एक आती है अश्वगंधा और एक आती है पीली सतावर। तो सतावर और अश्वगंधा भी आप 50-50 ग्राम रोज दाना मिश्रण में मिला दीजिए अगर कोई गाय आनाकानी कर रही है, तो वो देसी काम हो गया। इसमें क्या होगा, ये गोलियां जो है ये आपको 4-4 गोली सुबह शाम देनी है, लगातार 5 दिन तक देनी है। 4-4 गोली सुबह शाम लगातार 5 दिन तक आपको देनी है, ये ध्यान रखना। यानी कि चर्चर गोली थोड़ी सी डोज बढ़ा के देंगे, क्यों, कि उसको हैबिट की प्रॉब्लम हो रही है ना, वो आपको दूध नहीं निकलवा के दे रही है तो इस वजह से थोड़ी सी इसकी डोज को बढ़ा करके देनी पड़ेगी। चर्चर गोली सुबह शाम दूध निकालने से 25 मिनट 20 मिनट पहले आप दीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ये गोली जो है ना ये क्या करेगी, ये गोली है फ्रेंड दर्द सूजन बुखार के लिए। तो कई कई गायों के क्या होता है, छोटी मोटी कहीं पर कोई प्रॉब्लम है और दर्द हो रहा है, उस वजह से फिर वो दूध नहीं निकलवाती और फिर उसकी आदत गंदी हो जाती है। तो ये गोली दो, ये दो लेने ध्यान रखना, तो दो गोली ये और 4 गोली ये, 6 गोली आपको दूध निकालने से पहले उसको खिलानी पड़ेगी। गुड़ में लड्डू बना करके खिला दीजिए, दाना मिश्रण में खिला दीजिए, किसी भी तरीके से खिला दीजिए। आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से ये गोलियाँ 6 सुबह और 6 शाम देनी पड़ेगी, मात्र 2 ही दिन। ये गोली जो है ना मात्र 2 ही दिन दी जाती है, इससे ज़्यादा ये गोली नहीं दी जाती,
ठीक है, उससे क्या होगा, उससे फिर वो वापस हैबिट पे आ जाएगी। भाई ताज़ा ब्याई हुई है तो बहुत जल्दी आएगी, थोड़ी सी ब्याई हुई देरी से है तो मतलब काफ़ी टाइम हो गया है बच्चा दिए हुए 3 महीने 4 महीने, तो थोड़ा सा टाइम से हैबिट पे आएगी, बाकी आ जरूर जाएगी। ये डोज 5 दिन की है, कन्फर्म है, और ये जो है वो 2 ही दिन की है, 2-2 गोली सुबह शाम, और ये आप 5 दिन तक लगातार दीजिए। अगर मान लीजिए आपको अच्छा रिजल्ट मिल गया तो हम क्या करते हैं, ये दूसरी जो आगे की डोज है उसमें 2-2 गोली सुबह शाम करवा देते हैं, ताकि जो 5 दिन चलने वाली थी वो दवा अब 10 दिन चलेगी, 2 पैकेट में पूरा काम हो जाता है। तो ये होगा, लेकिन एक काम अगर यहां नहीं हुआ तो भाई कंप्लीटली रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो काम कौन सा है, वो आप एक परक का एक मिल्क मैजिक आता है पाउडर, और ये पाउडर जैसा कि इसका नाम है मिल्क मैजिक, वैसा ही इसका काम है, बहुत ही शानदार। मतलब ऐसी गाय जहां पर मिल्क फ्लो कम है, ये मिल्क फ्लो बढ़ाने का बहुत अच्छा काम करेगा, मिल्क ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, और मिल्क ग्लैंड जब एक्टिवेट होगी शरीर में सारे के सारे मिनरल्स ये देगा, तो उस वजह से पावसने में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। परख का, परख नाम लिखा हुआ ऊपर, मिल्क मैजिक, भाई ये गजब का रिजल्ट दे रहा है, जिसको भी दिलवाया कोई निराशा नहीं मिली, 100% रिजल्ट का राज यही है। हमने ग्लेक्टिन और सेराकाइंड दी, बहुत अच्छा रिजल्ट उनका भी है, लेकिन अगर अंदर से मिल्क ग्लैंड एक्टिव नहीं है, दूध अंदर से नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, विटामिन मिनरल नहीं है तो क्या करोगे, सिर्फ पावसने का देख नहीं हो सकता। तो जो गाय चुरा रही है दूध, पावसने में दिक्कत कर रही है, दूध कम हो रहा है, ऑल ओवर में इस फॉर्मूले का रिजल्ट मिलेगा, और आपने अगर ये कर लिया तो जो लात मारने वगैरह की शिकायत है ना, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन सेशन लूँ डेयरी फार्मिंग का, तो डेयरी फार्मिंग की वो क्लासेस जो एड टू जेड ट्रेनिंग वाली है शुरू हो गई है 5 तारीख से, अगली 5 तारीख से फिर से शुरू होगी। 1 महीने का कोर्स अगर आपने अटेंड कर लिया तो आप खुद देखेंगे कि डेयरी फार्मिंग के किस तरीके से आप जानकार बन जाते हैं। तो वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर लीजिए, या फिर रामावत एनिमल ऐप पर जा करके, और वहाँ पर भी आप डेयरी फार्मिंग की क्लास को विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको डेमो क्लासेस भी मिलेगी और पूरा प्रोसेस भी मिल जाएगा।